मैंने नॉट अ सब्जेक्ट इन अ सिंगल डे. ये एग्जाम के दो तीन दिन पहले तक करिएगा. जब एग्जाम का दिन आ जाए तो फिर उसी हिसाब से अपनी डेट शीट के हिसाब से बांट लीजिएगा किस दिन कौन सब्जेक्ट पढ़ना है. और फिजिक्स का पेपर है तो केमिस्ट्री तो पढ़ोगे नहीं, और मैथ्स का हो चुका है तो नहीं पढ़ोगे, इतना दिमाग लगा है. सारे सब्जेक्ट एक ही दिन में टच हो जाए. हिंदी की जरूरत कम है, आधे घंटे करिए करिए, वो भी 100 नंबर की होती है. एसएसटी कम याद होती है, करिए लिख के याद करिए. मैं एक सूत्र देता हूं, रीड एंड राइट, राइट एंड लर्न. पढ़ो लिखो, लिखो और याद. इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है थ्योरी सब्जेक्ट्स को याद करने का, क्योंकि अभी आप बुक्स बनाने लायक नहीं, बहुत छोटे हो. कभी हायर क्लास में आओगे तो नोट्स कैसे बनते हैं मैं बताऊंगा. इस तरीके से अपनी पढ़ाई को प्लान करिए. हर सब्जेक्ट डेली टच होना चाहिए. अब 12 घंटे कही तो दिया, रेखा गरीबी की रेखा ना कर रही है तो मैथ्स लेके बैठ जाए 6 घंटे आज मैथ्स करेंगे विदाउट ब्रेक. मैं बता रहा हूं तो समझ में नहीं आएगा कुछ देर. ब्रेन की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, अलग अलग हिस्सों के जोर अलग अलग पड़ता है. जब आप मैथमेटिक्स करते हो तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड वाला पोर्शन एक्टिव होता है, और जब आप लर्न करते हो तो दूसरा पोर्शन एक्टिव होता है. इसीलिए लिखा है टेक प्रॉपर ब्रेक बिटवीन द सब्जेक्ट. आपने एक घंटे डेढ़ घंटे मैथमेटिक्स लगाया, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए. ब्रेक में क्या करोगे दोस्तों? ब्रेक में नहीं पढ़ना है, क्या करोगे बढ़िया? चौक ले आपने मान लिया
एक पेपर आपका 3 आवर्स का, कन्वर्ट करिए इसको मिनट में, 180 मिनट, थोड़ा बोलते हैं मेरे को अच्छा लगेगा। अब इसमें 10 मिनट आप हटा दीजिए, कॉपी देर से मिलेगी, टीचर 5 मिनट पहले चिल्लाने लगती है, धागा लगाओ बंद करो, कॉपी बंद करो, होता कि नहीं होता? हटा दीजिए, एक आध बार आप टॉयलेट जा सकते हो, पानी पीने जा सकते हो, 10 मिनट छोड़ दीजिए। अब आपके पास इफेक्टिव टाइम बचा 170 मिनट्स। अब इस 170 मिनट्स में 80 का पेपर आता है लोगों का, 70 का, 80 का। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, मैं 100 ले लेता हूं। इस 170 मिनट्स में आपको 100 नंबर का पेपर करना है, करना है ना? कुछ सवाल एक नंबर के होंगे, कुछ सवाल दो नंबर के होंगे, तो कुछ 5। जरा देखिए इस क्वेश्चन को कितना टाइम लेना है। अगर ये 100 नंबर का पेपर है तो जो 1 मार्क क्वेश्चन होगा उसको 1.7 मिनट मिले। आप उसको लोअर पे राउंड करिए, 1.5 मिनट। एक नंबर का सवाल या आप अपना हिसाब बना लीजिएगा, 70 का आता है कि 60 का आता है, आपको नंबर के मिनट पड़ जाए। एक मिनट के सवाल, एक नंबर का अगर सवाल है तो आपको कितना देना है? 1.5। 1.5 मिनट में उसका क्वेश्चन खत्म हो जाए, डिस्टर्ब। इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं देना, आप छोड़ दो पेपर। ये टोटल टाइम मैनेजमेंट में आपको बता रहा हूं। अब जो 2 नंबर का सवाल आएगा, 2 मार्क्स क्वेश्चन, यू हैव टू गिव 3 मिनट्स। घड़ी अलाउड है ना सीएससी में? सर घड़ी अलाउड है ना? आईएससी में नहीं अलाउड है, आईएससी में सामने घड़ी मिलती है, हॉल में पेपर होता है, सामने घड़ी होती है, बच्चों को घड़ी अलाउड नहीं है। आपको इस टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से अपने पेपर को सेट करना है कि किस क्वेश्चन को कितना टाइम। इसके लिए मैं एक देसी कहावत कहता हूं, जैस देवता तैस चढ़ावा, जैस देवता। आप इसको समझ लीजिए क्या है कि हम लोग अपने पहुंचे के मंदिर में जाते हैं मंगलवार को, तो 11 रुपए प्रसाद चढ़ा देते हैं हनुमान जी को, और वही जब पंखी वाले बाबा के पास जाते हैं तो 101 का लेके जाते हैं। तो जो देवता जितने नंबर के हैं उतना चढ़ावा चढ़ाओ। एक देवता कितने नंबर के हैं? अब तुम उसमें 3 ग्रेड लिखे चला रहे हो। टीचर बहुत खुश हो गया, बिल्कुल कलेजा फाड़ के उसने धर दिया। और तुमने बिल्कुल वो वहां सोने की कलम से रक्त से लिख दिया उसको, क्या करो? तो जय देवता